बिहार में दलितों और मुस्लिमों पर खुलासा। प्रशांत किशोर ने दलितों और मुस्लिमों पर किया खुलासा। दलितों और मुस्लिमों के हो गए हैं बदतर हालात। नीतीश सरकार को दलितों और मुस्लिमों से नहीं है मतलब। क्या प्रशांत किशोर के दावों में है दम? बिहार में दलितों और मुस्लिमों की हालत को लेकर प्रशांत किशोर ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में सबसे खराब हाल मुस्लिमों के हैं, लेकिन नीतीश और तेजस्वी जाति की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि जाति गणना का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि गरीबों के हालात बदलने पर जोर देना चाहिए। पीके ने कहा कि नीतीश और तेजस्वी जाति की राजनीति में सबको उलझाना चाहते हैं, लेकिन इससे बिहार का विकास नहीं होगा। तो जातियों की जनगणना होने मात्र से लोगों की जिंदगी तो सुधरेगी नहीं। पूरे बिहार की गणना हुई पड़ी है कि 13 करोड़ लोग बिहार के जो लोग हैं वो देश के सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये तो जानकारी आपके पास है, इसको काहे नहीं सुधार रहे? दलितों की जनगणना तो आप आजादी के बाद से कर रहे हैं, उनकी दशा आप क्यों नहीं सुधार रहे? उसके लिए आपने क्या किया? मुसलमानों की जनगणना करी हुई है, दलितों के बाद बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी और फटेहाली से मुसलमान भाई जूझ रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आप किसी गांव में चले जाइए, जो दलित टोले हैं, जो मुसलमानों के इलाके हैं, वहां आपको आंख से दिखता है कि कितनी ज्यादा गरीबी बदहाली फटेहाली है। तो ये जनगणना कराने और जो जनगणना के विरोध में जो लोग हैं, मैं उनको सुझाव दूंगा कि आप विरोध मत कीजिए। क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? समाज में कोई वर्ग अगर सही मायनों में पीछे छूटा हुआ है, उसकी संख्या ज्यादा है और उसकी गणना हो रही है, सरकार सर्वे करा रही है, तो कराने दीजिए। ये तो सरकार आपको उलझा रही है कि आप लग जाइए, आधे लोग लग जाए जनगणना के पक्ष में, आधे लोग लग जाए जनगणना के विरोध में। कोई इसकी चर्चा ही न करे कि बिहार में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, कि रोजगार हो रहा है कि नहीं। सब जाति में फिर आग लगा के अपना एक बार रोटी सेक के एक बार फिर मुख्यमंत्री बन जाए। ये बिल्कुल सही तर्क है कि अनुसूचित जाति के लोगों की आबादी की गणना तो आजादी के बाद से ही हो रही है, लेकिन अभी भी बिहार में अनुसूचित जाति का एक बड़ा हिस्सा भीषण गरीबी से जूझ रहा है। इसलिए प्रशांत किशोर ये तर्क दे रहे हैं कि दूसरी जातियों की गणना से भी बिहार में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। प्रशांत किशोर का तर्क है कि बिहार के 13 करोड़ लोग जनगणना के मुताबिक सबसे गरीब और पिछड़े हैं। ये जानकारी सरकार के पास है, लेकिन सरकार हालात को सुधारने के लिए कुछ नहीं कर रही है। पीके ने जाति गणना का विरोध करने वाले लोगों से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि समाज में कोई वर्ग सही मायने में अगर पीछे छूट गया है तो उनके सर्वे करवाने का विरोध नहीं करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश सरकार जनता को उलझाने के दांव चल रही है। सरकार की मंशा है कि आधे लोग जाति गणना के पक्ष में और आधे लोग इसके विपक्ष में लग जाएं और बिहार में पढ़ाई, रोजगार और गरीबी की चर्चा खत्म हो जाए। प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में जाति की आग लगाकर अपनी रोटी सेक कर लोग फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। जाति की राजनीति की वजह से बिहार पहले से ही बदहाली में नंबर 1 पर पहुंच गया है। अगर आगे भी जाति की राजनीति ही चलती रही तो बिहार का दिवालिया होना तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, QIVE नेटवर्क।